आई थिंक बहुत सारा है आज कवर करने को, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ इमीडिएटली रादर देन वेटिंग। आई थिंक वी आर इनफ टू स्टार्ट ऑफ विद द क्लास। अच्छा, ये चैप्टर है सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। इसके शुरू में बहुत सारी थियोरी है, सही है? थियोरी में पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो है वो पेपर में थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। अभी रिसेंटली आप रिसेंट क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें इनफैक्ट थोड़े से ज्यादा होते हैं, और ये सारी बातें जो भी मैं आपको बताऊंगा ये आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई है। व्हाट आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली इज दैट आफ्टर लिसनिंग टू मी यू गो बैक एंड रीड थ्रू द थ्योरी दैट आई हैव अटैच्ड इन योर बुक। ओके, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दैट बिकॉज यू विल हैव टू आंसर पास्ट पेपर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। ओके, सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब हम सोचते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में जो आता है वो कंट्री की पॉपुलेशन आती है, विच इज फाइन, दिस इज द टाइप ऑफ पॉपुलेशन। बट पॉपुलेशन यहाँ पे जो है वो थोड़े ब्रॉड टर्म्स में यूज होता है। वो कहता है कि इन अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी यू नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो कोई ग्रुप भी जो होता है वो पॉपुलेशन हो सकता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास। अच्छा, ड्यूरिंग दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू गो अ लिटिल फास्ट विद द थ्योरी, if you have any questions or you don't understand something please stop me right there and ask. I have the chat also open in front of me, you can ask me there as well. Okay, population of students keh sakta hu, sahi hai, ya main population of fish keh sakta hu. So population jo hai wo alag alag sense mein use ho sakti hai, sahi hai? Jab hame data collect karna hota hai to hum surveys istemal karte hain, sahi hai? Ab survey jaake main census kar sakta hu, ये एक सैंपल का सर्वे कर सकता हूँ। सेंसस क्या होता है, कोई बताएगा? यू नो व्हाट अ सेंसस इज? नो वन वांट्स टू से एनीथिंग। एवरी मेंबर इज सर्वेड, फातिमा इज राइट, एवरी मेंबर इज सर्वेड, सही है, एंटायर पॉपुलेशन इज सर्वेड, सही है। बट अक्सर ये रियलिस्टिक नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल बना के जो है वो सर्वे करते हैं। एवरी एंटायर पॉपुलेशन इज सर्वेड। ओके, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन जो आप बात कर रहे हैं वो साथ वो होता है कि काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन तो मर्दमशुमारी की बात कर रहे हो। यस, दैट इज अ पॉपुलेशन सेंसस, जिसको पॉपुलेशन सेंसस कहा जाता है कि भाई मर्दमशुमारी कर रहे हैं, जो आपके घर पे भी हुई होगी इन द लास्ट ईयर, आके वो जो है वो बाहर आपके घर के बाहर चौक से लिख के गए होंगे एक नंबर। ओके, सेंसस क्या होता है कि इन सेंसस एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज सर्वेड, व्हेन द पॉपुलेशन इज स्मॉल दिस कुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज, सही है। व्हेन पॉपुलेशंस आर लार्ज टेकिंग अ सेंसस कैन बी वेरी टाइम कंज्यूम एंड डिफिकल्ट टू डू विद एक्यूरेसी। सो ऐसी बात है, सेंसस करना आसान नहीं होता, सही है। ऑन ओकेजन इट कुड नॉट बी सैंपल टू सेंसिबल टू सर्वे एवरी मेंबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू परफॉर्म द सेंसस टू एस्टैब्लिश द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ लाइट बल्ब, यू वुड टेस्ट ईच बल्ब अंटिल इट फेल्ड एंड यू वुड सो यू वुड destroy the population. Okay, sample क्या, sample survey क्या होता है कि आप जो है वो एक representative sample इस्तेमाल करें, सही है। यहाँ पे एक word use किया जाता है random sample. Random sample का मतलब ये होता है कि अगर आपके आपके sample में कोई bias ना आ रहा हो, सही है। Bias अभी आएगा नीचे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। A sample survey can give an accurate indication of the population characteristic being studied. The size of the sample does not depend on the size of the population. It often depends on the time and money available to collect information. So, कितना बड़ा आप survey करते हैं वो depend करता है ज़्यादा कि आपके पास time और पैसे कितने हैं, सही है? The sample design लिखा हुआ है, once the purpose of a survey has been stated precisely, the target population must be identified. For example, all the primary schools in England, all the oak trees in Hampshire, all the people admitted to the general hospital in January suffering from a heart attack. Okay? कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट पॉपुलेशन क्या है। अभी हमने कहा पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग सैंपल उसमें यूज होती है। ये एक चीज है, पढ़ लें इसको, इट्स नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। द सैम्पलिंग यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, दीज आर द पीपल और आइटम्स टू बी सैम्पल्ड फॉर। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइमरी स्कूल, द ओक ट्री, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। वंस द सैम्पलिंग, क्या आपने सर्वे किसका करना है, या आपने स्कूल का जाके करना है, या आपने बच्चों को जाके करना है, सही है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता कि आपका सैम्पलिंग यूनिट क्या है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, मैं भी तेज तेज जा रहा हूँ बिकॉज ऑल दिस इज रिटन इन योर बुक्स। ओके, बट इफ यू हैव सम कंफ्यूजन्स यू कैन ऑलवेज आस्क। समवन इज ट्राइंग टू से समथिंग, ऐसा समवन्स माइक बीइंग अनम्यूटेड। सही है, ये क्वेश्चंस हैं इस तरह के हो सकते हैं।
बायस की बात करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपके सर्वे के रिजल्ट रैंडम होने चाहिए, माजो छोड़ दो, माज सैम्पलिंग फ्रेम छोड़ दो। दुआ मैंने तो बहुत सारी बातें बोली, अब वो पढ़ लेना, उसमें कुछ समझना है तो पूछ लेना। इट्स नॉट समथिंग वेरी चैलेंजिंग, दुआ जस्ट रीड इट थ्रू। If you don't understand something, you can always ask me. The purpose of sampling is to gain information about the whole population by selecting a sample from that population. You want the sample to be representative of the population, so you must give every member of the population an equal chance of being selected in the sample. इसका यही मतलब होता है कि भाई random होना चाहिए। आपने अपना bias कहीं नहीं दिखाया हो कि भाई मैंने इसको select कर लिया, उसको select कर लिया। ये अभी एक सवाल में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप को पता होना चाहिए कि बायस कहाँ कहाँ से आ सकता है। दिस शुड इंक्लूड एलिमिनेट एनी बायस इन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। सोर्सेज ऑफ बायस इंक्लूड द लैक ऑफ अ गुड सैंपलिंग फ्रेम यूजिंग द टेलीफोन डायरेक्टरी मिसेस ऑल दोस हु डू नॉट हैव अ टेलीफोन। कि भाई आप एक सर्वे करने जाते हैं, आप सिर्फ जो है वो लैंडलाइन पर कॉल करते हैं, आज के जमाने में सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो एक्सक्लूड हो गए, सही है। यूजिंग द इलेक्टोरल रजिस्टर इन अ सिटी मिसेस द मोर मोबाइल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये अगर आपको पता हो कि तो ये अभी कराची के साथ हुआ है कि अभी जो पिछला पॉपुलेशन सेंसस था उसमें कराची की पॉपुलेशन जो दिखाई गई है वो 1.5 करोड़ दिखाई गई है, सही है। हम सबको पता है कि कराची की पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 2.5 करोड़ है। एंड वेयर डिड दोज अदर पीपल गो, सब किसी को पता है कि वो लोग कहाँ गए, 1 करोड़ लोग कहाँ गए, व्हाई वरंट दे काउंटेड एज कराचीज पॉपुलेशन। आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं हो सकता है न्यूज में देखा, देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट अबाउट दिस एज वेल। Does anyone know what happened in the last census that was done and why Karachi was treated that way? Not really political reasons. Asad, it was a very simple trick. What they did was ke bhai jiska address Karachi ka tha, sirf usko Karachi mein ka. Haan, wo to sahi hai. That's okay. That is something that was there. But how did they do it? They did it by looking at addresses. To aapka jo chowkidar hai, aapka jo driver hai, उसका एड्रेस तो जाके जो है वो कहीं केपीके का होगा, तो वो जो है वो केपीके की पॉपुलेशन में शुमार हो रहा है, वो कराची की पॉपुलेशन में शुमार ही नहीं हो रहा। तो दैट वाज द चैलेंज। नाउ इफ यू काउंट 1.5 करोड़ पीपल एंड देयर आर 2.5 करोड़ पीपल, इमेजिन द मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज दैट इज देयर, सही है। तो ये बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए भी फ्यूचर में, कि भाई आपको पता हो कि भाई क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। ओके, द रॉन्ग चॉइस ऑफ sampling units, choosing an individual rather than a group, particular group such as household, non-response by some of the chosen units, sahi hai? Non-response by some of the chosen units ka matlab kya hai ki bhai kuch log jo hain wo respond nahi karte. Ab jaise aap bhi supermarket mein jate hain, wo koi aapse poochta hai kaun sa shampoo khareed rahe ho, aap kehte chalo chalo main nahi bata raha, aur aap galat number deke aa jate hain ya galat naam bata ke aa jate hain. Okay, cooperation of the inquiry might not have been understood. Ye थोड़ी सी इंट्रिकेसीज होती हैं कि भाई क्वेश्चन सही पूछा जाए एंड ऑल दिस। बायस इंट्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन कंडक्टिंग द सर्वे, कि भाई आप जो है वो इंक्लाइंड है किसी एक जेंडर से पूछने के लिए, कि आप उसी जेंडर से जाके सवाल पूछ रहे हैं, सही है। सो बायस बहुत सारी जगहों से आ सकता है। ओके, तो वो पढ़ लीजिएगा एक दफा और से बाद में, इट्स इन योर बुक। सैम्पलिंग मेथड्स की बात करते हैं, दो तरह के उसने सैम्पलिंग मेथड्स कहे हुए हैं। उसने कहा कि भाई टू कैटेगरीज हैं, एक रैंडम सैम्पलिंग है और एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। भाई रैंडम सैम्पलिंग में सिस्टम सिंपल सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सही है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के दो तरीके होते हैं, ये देखें, ये दो तरीके लिखे हुए हैं। ड्रॉइंग लॉट्स, कोई बता सकता है ड्रॉइंग लॉट्स क्या होता है? कैन समबडी टेल मी दिस इन उर्दू? लकी ड्रॉ, सही है। पर्चियां डाल रहे हैं आप, नाम की पर्चियां डाल रहे हैं और उसमें से जो है वो एक आप चूज कर रहे हैं कि भाई किसके साथ मुझे सर्वे करना है। ओके, और दूसरी रैंडम नंबर सैम्पलिंग होती है। ये जरा गौर से देखिएगा, जब मैं समझाऊं तो ये गौर से देखिएगा। पहले ड्रॉइंग लॉट्स है, ड्रॉइंग लॉट्स भी एक जगह किसी पास पेपर में आंसर है, तो आपको ये पता होना चाहिए ड्रॉइंग लॉट्स का मतलब क्या होता है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। रैंडम सैम्पलिंग कैसे होती है? यूजिंग रैंडम नंबर टेबल्स होती है, कि आप रैंडम नंबर टेबल्स को इस्तेमाल करें। रैंडम नंबर टेबल्स क्या होते हैं? अब मैं आपको इस तरह जो है वो एक रैंडम नंबर टेबल दे दिया मैंने आपको, सही है। दिस इज अ
रैंडम नंबर टेबल। अब मैंने आपसे कहा कि आप इसमें से मुझे 8 लोग सेलेक्ट करके बताएं, 8 लोग फ्रॉम अ फातिमा, यू माइट बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब इट, आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे S2 का पेपर नहीं खुला हुआ, मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। अभी हमने बीकन हाउस में S2 का पेपर लिया था, तो उसमें जो है वो हमने एक सवाल ऐसा पूछा था, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये सवाल पूछा था हमने, एक्सप्लेन हाउ, सही है? तो ऐसे सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ। और ये देखो बायस का भी सवाल है, उसने कहा ज्योति विशेष चूज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम 82, she considers going into the canteen and choosing a 5 people with 5 students, give 2 reasons why this method is unsatisfactory. usne pucha ki bhai bias kahan se aa gaya hai, to aapne wo batana hai, sahi hai? acha 8 people from a group of 100 people, to sabse pehla kaam aap kya karenge ki un sare 100 logon ki jo hai wo list bana lenge, 1 2 3 4, sahi hai? aap unko double digits likh le, 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 1 0, okay? So you write their names up to 100. फिर आप क्या करें, आप अपना रैंडम नंबर टेबल यूज करें। रैंडम नंबर टेबल को अब यूज कैसे करना है, अब पहले दो नंबर मुझे क्या नजर आ रहे हैं, 68, तो मैं 68th बंदा जो है वो लेट्स से जो है वो अब्दुल मोईस का नाम लिखा हुआ है, तो मैं अब्दुल मोईस से जाके पूछ लूंगा, सही? अब्दुल मोईस का सर्वे जाके कर लूंगा। अगला नंबर क्या नजर आ रहा है मुझे, 72, सही है? 72 पे लेट्स से दुआ का नाम लिखा हुआ है, तो मैं दुआ से जाके पूछ लूंगा, ओके? 53, फिर 81, फिर 59, फिर 25, फिर 34, फिर 70, इन सारे लोगों से जाके जो है वो मैं पूछ लूंगा, सर्वे कर लूंगा, जो भी मुझे पूछना है उनसे पूछना है कौन सा जूस पीते हो भाई, तो वो जाके पूछ सकता हूँ मैं, सही है? सो आई कैन गो एंड आस्क देम व्हाट जूस टू यू ड्रिंक, ओके? फिर 8 पीपल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 60, ये देखेंगे और से। अब 8 पीपल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 60, ये बताएं क्या 68 बंदा होगा लिस्ट में? दुआ वर्टिकल भी चला सकते हैं, इट्स अप टू यू, यू कैन गो लाइक दैट, डिपेंड करता है टेबल कैसे बना हुआ है। अब 68 बंदा नहीं होगा लिस्ट में क्योंकि ये तो 60 तक लोग हैं, तो 68 बंदे को छोड़ना पड़ेगा, ये नंबर छोड़ना पड़ेगा। 72 बंदा भी नहीं है, 53rd बंदा है, तो मैं पहले 53rd वाले बंदे को चूज कर लूंगा, सही है? फिर 81 वाला बंदा भी नहीं है, 59 वाला बंदा है, फिर 25 वाला बंदा है, एंड सो ऑन। इस तरह कभी कोई रैंडम नंबर रिपीट हो जाए तो उसको भी स्किप कर दिया करते हैं, सही है? कोई रैंडम नंबर रिपीट हो जाए तो उसको स्किप कर दिया करते हैं। क्या ये सबको समझ आया? एनी क्वेश्चंस? Can you do this question with me? ये कहते हैं ज्योति decides to use another method. She numbers all the students in a year from 1 to 82, then she uses a calculator and generates the following random numbers. अगर आपको पता हो तो आपका calculator जो है वो capable है of random numbers. वो random number generate करके दिखाते हैं। अभी मेरे सामने calculator नहीं है, वहाँ पे एक ran करके function लिखा हुआ होता है, ran और आगे number. आप वो लिखेंगे equals to दबाएंगे तो हर केस में अलग अलग नंबर आता रहेगा आपके पास, सही है? उसने कहा कि then she uses a calculator and generates the following random numbers. From these numbers she obtains the student numbers 23, 14, 76, 5, 34 and 62. Explain how Jyoti obtained. Maaz, you could come up with random numbers using a dice. But उसमें भी थोड़ा सा bias होता है क्योंकि dice जो है वो 1 से 6 तक जाएगा, तो कभी किसी का number 9 से start नहीं होगा या 9 पे end नहीं हो सकता, for example. तो जनरली डाइस यूज नहीं करते फिर, ओके? कैलकुलेटर यूज करते हैं या एक्सेल पे शीट यूज कर सकते हो आप। अच्छा, अब उसने ज्योति ने क्या किया होगा, पहले 23rd बंदा सेलेक्ट किया है, यस वी नो दैट। 14, यस शी सेलेक्टेड दैट। 92, कैन शी सेलेक्ट द 92nd पर्सन? नो शी कांट, बिकॉज
लोग ही 182 तक है, फिर 76th, क्या फिर दोबारा 23rd आ सकता है? Can I have the 23rd person again? No, I can't have the 23rd person again. Then can I have the 5th person? 05 लिखा हुआ है, तो yes I can have the 5th person. तो इसमें दो बातें लिखनी थी. The first, ये 3 mark कैसा था? The first 2 digits represent the first person selected and so on. 92 was skipped because no one had the number 92 and repetitions of 3. ये 3 marks थे. तो आपको पूरी description आनी चाहिए कि भाई पूरा process कैसे होता है. सही है, बात सबको समझ आई? ये सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट है कि भाई आपको टेबल इस्तेमाल करना आना चाहिए. अब दो आप मुझसे वर्टिकली पूछ रही थी, मैं आपको कह सकता हूँ कि आप बैकवर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकती हो टेबल को. ओके, 50, 74, 47, 86 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे इस बंदे को डेसिमल नंबर चाहिए थे तो उसने 5.27 लिया है, 4.54 लिया है, फिर 8.06 लिया है एंड सो ऑन. सो आई कुड हैव अ डिफरेंट, मैंने सबके सॉल्यूशन भी साथ साथ अटैच किए हैं आपके लिए. ओके, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन इज वेरी कंबर्सम. एन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर टू लिस्ट द पॉपुलेशन इन सम ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेटिकली और इन ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन ऑन अ प्रोडक्शन लाइन, एंड देन चूज एवरी kth मेंबर ऑफ द लिस्ट. सही है, अब आपके पास 100,000 बंदों की लिस्ट है, आपने उसमें से जो है वो 5,000 लोग सेलेक्ट करने हैं. और सोचे मैं बैठ के 5,000 रैंडम नंबर्स निकालूं टेबल में से, कितना टाइम लगेगा मुझे? तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर लूँ. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि अब जो है मैं क्या करूँ, मैं 100,000 / 5,000 करूँ और मैं कहूँ कि हर 20th बंदे से जाके मैं पूछ लेता हूँ. सही है, हर 20th बंदे से, यानी 20th बंदे से पूछूंगा, 40th बंदे से पूछूंगा. मुझे नहीं पता वो ऑर्डर में अरेंज हुए हैं या अल्फाबेटिकली या किसी और ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, बट दे आर रैंडम. सो आई कैन गो ऑन एंड सेलेक्ट 5,000 पीपल लाइक दैट. आई डोंट नीड टू पिक आउट रैंडम नंबर्स एवरी टाइम बिकॉज दे कैन बी चैलेंजिंग एट टाइम्स. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल हुई हुई है, आई डोंट वांट टू डेल्व इनटू दैट. ये पढ़ लें, द एडवांटेज ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. Mas, you can also do that. But तुम्हें डिस्टेंस पता होना चाहिए ना, तो ताकि तुम सारी पॉपुलेशन को कवर करो. लेट्स से तुम हर 5th बंदा चूज करना शुरू कर देते हो, तो तुम तो पहले 1,000 बंदों में ही 5,000 बंदों का सर्वे करके जो है वो खुश हो जाओगे, या 25,000 बंदों का सर्वे करके खुश हो जाओगे. अगले जो लास्ट 75,000 है उनकी बारी नहीं आएगी, है ना? तो इसलिए जो है वो डिवाइड करते हैं ताकि पता चले कि भाई कौन से बंदे को सिलेक्ट करना है. ये को यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये पढ़ो. द एडवांटेजेस ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आर दैट इट इज क्विक टू कैरी आउट, इट इज इजी टू चेक फॉर एरर्स. फॉर एग्जांपल, फॉर लार्ज स्केल सैम्पलिंग सिस्टमैटिक सिलेक्शन इज यूजुअली यूज्ड इन प्रेफरेंस टू टेकिंग सिंपल रैंडम सैंपल्स. द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज देयर मे बी अ पीरियोडिक साइकिल विद इन द फ्रेम इटसेल्फ. इसका क्या मतलब है कि भाई अब मैं जो है वो मुझे इंटरेस्ट है टमाटर की प्राइसेस में, तो मैं क्या करता हूं, मैं गवर्नमेंट का डेटा लेता हूं. अब गवर्नमेंट का डेटा मैंने लिया, सही है, और मैंने कहा कि भाई ये तो पता नहीं कोई हजारों में एंट्रीज हैं, तो मैं हर 7th प्राइस को चूज कर लेता हूं. मुझे बताओ हर 7th प्राइस को चूज करने में मसला क्या है?
What is the problem with choosing every seventh price of tomatoes? Anyone? मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई मुझे जो इंटरेस्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर रहा हूँ मैं प्राइसेस की, मुझे टोमेटो की प्राइसेस में इंटरेस्ट है और मैंने गवर्नमेंट डेटा लिया और क्योंकि वो डेटा बहुत सारा था तो मैंने एवरी सेवेंथ प्राइस जो है वो चूज कर लिया, यानी हर पहली सेवेंथ फिर 14th एंड सो ऑन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं इसमें मसला क्या है। दे दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर, वो 1 जनवरी से प्राइसेस स्टार्ट हो रही है। You see, what will happen is, ke for example, if the 7th price is a Sunday price, the 14th price will also be a Sunday price. So, sare Sunday ki prices aa jayenge. Sunday ko aapko bhi pata hai, paise zyada hote hain. To mera sample kya ho jayega? Bias ho jayega. To aisi cheeze hain jahan pe periodic cycle ho kisi cheez ka, jaise prices ka hota hai, sabzi ki prices periodic hoti hai na. हर संडे बढ़ जाती है, फिर उसके बाद कम हो जाती है, फिर संडे को बढ़ जाती है, तो उसमें ये मसला आ सकता है बस। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि इट इग्नोर्स पीरियोडिक एलिमेंट्स। ओके, रैंडम सैम्पलिंग में ये नहीं हो, वो रैंडम नंबर से करोगे तो ये नहीं होगा। सही, ये बात सबको समझ आई? यस, नो, मे बी, बताओ तो आगे बढ़ूं। यस, दुआ, पीरियोडिक कहते हैं इसको, पीरियोडिक साइकिल। ओके, स्ट्रैटिफाइड क्या होती है? स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटा का मतलब होता है ग्रुप। सही है, स्ट्रैटा मींस ग्रुप। तो आप क्या करें भाई, आपने कहा कि आई वॉन्ट माई सैम्पल्स टू हैव अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ईच एज ग्रुप। लेट्स से मैं एक जूस लॉन्च करने जा रहा हूँ तो जो है मुझे पर्टिकुलर कैटेगरीज में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 to 15 ईयर ओल्ड एंड देन आई वॉन्ट 15 to 20 ईयर ओल्ड, देन आई वॉन्ट 20 to 25 ईयर ओल्ड एंड देन 25 to 30 ईयर ओल्ड। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबको ग्रुप्स में डिवाइड कर लूंगा, फिर चाहूँ तो यहाँ पे जो है वो रैंडम सैम्पलिंग इनके अंदर कर लूँ या फिर जो है वो सिस्टमैटिक कर लूं। सही है, इन एनी केस दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फिर वो कहता है सेपरेट रैंडम सैंपल्स आर देन टेकन फ्रॉम ईच स्ट्रैटम एंड पुट टुगेदर टू फॉर्म अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। ओके, ये पढ़ लीजिएगा। नॉन रैंडम क्लस्टर्स, for example, in a population consisting of all children in the country attending state primary schools, the local education authorities form national clusters. When a sample survey is carried out in a population that can be broken down into clusters, it is often more convenient to first choose a random sample of clusters and then to sample within each cluster chosen. Sahi hai? Yahan pe clusters ka matlab hota hai ki aap jo hai wo kisi base pe select nahi kar rahe, aap jo hai wo randomly unko apne groups mein divide kar diya based on area or whatever. ये पढ़ लीजिएगा, देयर इज नो डिटेल टू इट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए थोड़े। कोटा भी ऐसा ही होता है कि आपको जी कोटा दिया गया, आपने कोटा के हिसाब से जो है वो सेलेक्ट कर लिया। सही है, असल रैंडम सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट होती है, नॉन रैंडम तो मतलब वो किसी भी तरह कर लो आप। अच्छा जी, नाउ स्टार्ट्स, ये था सैम्पलिंग, अब हम आ रहे हैं एस्टिमेशन पे। सही है, बात में पूछे जा सकते हैं, मैं अभी दिखाया ना बेटा, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं उस पर। मैं आपको एक मिनट सवाल दिखाता हूं। ये देखो, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ पॉपुलेशन।
ये देखो, सारे सैम्पलिंग के सवाल है सही है। अच्छा अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं एस्टिमेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे चीजें जो है वो गड़बड़ होना शुरू होती हैं। मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज एट दिस पॉइंट, ओके, बिकॉज दिस चैप्टर इज कंफ्यूजिंग। अब होगा क्या, मैंने एक सर्वे कराया, ऐसे मैंने पूरे पाकिस्तान में सर्वे कराया ऑफ 18 to 20 ईयर ओल्ड, सही है। मैं सेंसस नहीं करा रहा, तो मैंने क्या किया होगा, मैंने बहुत सारे सैंपल्स सेलेक्ट किए होंगे और बहुत सारे अलग अलग बंदे भेजे होंगे कि जाओ भाई 18 to 20 ईयर ओल्ड के सबके मैथ के मार्क्स पता करके लाओ, सही है। हर बंदा जो है वो जाके, मैंने जो है वो 1,000 बंदे हायर किए, ईच पर्सन सर्वेड 20 स्टूडेंट्स, सही है, एंड आस्ट देम देयर मैथ पॉइंट्स। अब एक डेटा जो है वो गवर्नमेंट ने मुझे पहले ही दिया हुआ था कि मैथ मार्क्स जो है वो उन्होंने पहले डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उन्होंने कहा मैथ डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि उसके 75 मीन होता है और 8 जो होता है उसका वेरियंस होता है, फॉर एग्जाम्पल, सही है, गवर्नमेंट ने मुझे बताया हुआ था। मैंने अपना सर्वे करवाया, अब ये जो 1,000 बंदे गए थे विल ब्रिंग 1,000 ऑन मीन मार्क्स। मैंने सबको कहा था कि भाई मुझे इंडिविजुअली सबके मार्क्स नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा मेरे पास, तुम लोग सब मुझे आके जो है वो मैथ के मार्क्स का मीन बताना, सही है। तो स्टेटिस्टिक्स आपसे क्या कहता है, व्हाट डज स्टेटिस्टिकल थ्योरी टेल यू, दैट दिस मीन विल हैव इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन, विल हैव इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन, के जो 1,000 बंदे जो है वो अपना अपना सर्वे करके लाए थे, सबने अपना अपना मीन बताया मुझे, ये जो 1,000 है दिस विल हैव इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूट, एवरीबडी विल ब्रिंग इन अ मीन एंड दिस मीन, मेरे पास 1,000 मीन हो जाएंगे, तो वो एक अपनी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर लेंगे, सही है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन, इट सीम्स सेंसिबल टू टेक रैंडम सैंपल्स एंड देन कंसिडर द वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम देम, इट इज देयर फॉर यूजफुल टू नो हाउ दीज सैंपल वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्या, ये हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। हम कहते हैं कि इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, यानी मैथ मार्क्स आपको पहले गवर्नमेंट ने सर्वे किया था, गवर्नमेंट ने एक सेंसस किया था, उसमें ये रिजल्ट्स आए, तो एक्स बार जो होगा वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विथ मीन, बट इंस्टेड ऑफ सिग्मा स्क्वायर यू विल हैव टू डिवाइड सिग्मा स्क्वायर बाय एन, वेर एन इज वॉट, एन इज द सैंपल साइज, एन इज द सैंपल साइज, सही है। दिस स्टार्ट गोइंग टू मेक, दिस विल मेक सेंस व्हेन आई पुट इट इनटू अ क्वेश्चन राइट नाउ। फिलहाल आप रट्टा लगाए, मैंने क्या सिखाया कि इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन एक्स बार विल ऑल्सो बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द सेम मीन बट विथ अ डिफरेंट वेरियंस, सही है। ये मैं अगर आपको एक्सेल पे पूरी वर्किंग करके दिखाऊं तो सारे नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं वो सारा काम आपके लिए कर सकूं, सही है, कभी टाइम बचेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसको हम कहते हैं दिस इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। मास सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इट्स नॉट दिस राइट नाउ। ओके, अभी ये छोड़ दें, ये पढ़ना वैसे जरूरी नहीं है, ये भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा।
अब जब आप वो सॉल्व कर रहे थे लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, जिन्होंने चैप्टर पूरा सॉल्व किया था उनको पता चला होगा कि भाई कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने थे. कौन से वाले क्वेश्चन छोड़ने थे? जिसमें वो ये पूछता था, वो कहता था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर मीन मास, टोटल मास नहीं पूछता. टोटल मास पूछता तो किसका क्वेश्चन होता? लिनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता. मीन मास पूछ रहा है तो किसका क्वेश्चन है? एस्टिमेशन का सवाल है. मीन मास पूछ रहा है तो किसका सवाल है? एस्टिमेशन का सवाल है. उसने कहा एट अ कॉलेज द मासेस ऑफ मेल स्टूडेंट्स कैन बी मॉडल्ड बाय अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन मास 70 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5. तो मैंने कहा कि एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 70 एंड 5 स्क्वायर. 4 मेल स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, तो 4 लोग सिलेक्ट हुए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर मीन मास, मैं क्या पूछ रहा हूँ? मीन मास. तो मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा हूं? एक्स बार की इज लेस देन 65, इज लेस देन 65. तो मैंने कहा कि भाई ये एक्स की इंफॉर्मेशन है, प्रोबेबिलिटी मुझे एक्स बार की चाहिए. तो क्या मैं एक्स बार की इंफॉर्मेशन अपने लिए पहले कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं? एक्स बार के बारे में मुझे क्या पता है कि मीन सेम रहता है और ये डिवाइडेड बाय एन हो जाता है. ये अभी मैंने आपको सिखाया, सही है, ये सिखाया मैंने आपको. ये इसकी एप्लीकेशन है कि भाई प्रोबेबिलिटी अगर मीन की निकालनी है तो मीन की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सही है. कैसे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जिस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला करते हैं तरह निकाल लेते हैं. क्या सबको इस चैप्टर की पहली चीज समझ आई है? एक मिनट कैलकुलेटर ढूंढूं. दुआ दुआ, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द लॉजिक विदाउट हैविंग डेटा इन फ्रंट ऑफ मी. अभी प्रोसेस बस याद रख लो, सही. अभी मैं डेटा के बगैर नहीं समझा पाऊंगा. बहुत सारा डेटा मुझे एक्सेल पे दिखाना पड़ेगा, फिर होगा. समी ये तुम वीडियो देखना प्लीज, बहुत सारी बातें मैंने कर दी हैं. -2 आ रहे हैं. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के रूल लगाते हैं, phi ऑफ -2 व्हिच इज 1 माइनस phi ऑफ 2. ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस. कुछ पूछना है तो पूछे वरना मैं आगे बढ़ूं. कोई लिख तो नहीं रहा? Just give me a moment. Okay. Ek aur dekho. The distribution of a random variable x is this. उसने कहा द मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ एन, तो एन एन ही है. फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स बार. फाइंड द वैल्यू ऑफ एन करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज ग्रेटर देन 28. तो अब पहले मुझे एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगी. एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी? हम कहेंगे सेम मीन बट द वेरियंस हैज टू बी डिवाइडेड बाय एन. तो मैंने कहा चलो आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जी में. ये बनेगा जी
इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? सही है, मैं 1 को इधर ले आया, तो 0.005 को इधर ले आया, फाइन इनवर्स कितना होता है इसका? 2.576। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले काम अब मैं समझा नहीं रहा, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स देम। सो 251 कुछ पूछना है तो पूछे। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, सही है? तो उस केस में फिर एक्स बार का क्या करते हैं, सही है? कभी कभार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती तो हम फिर क्या करेंगे, लेट्स सी, फिर हम इस्तेमाल करेंगे समथिंग कॉल्ड द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमसे क्या कहता है कि भाई, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल शेप एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस। फॉर लार्ज एन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल आ गया जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आप क्या करें, आप उसका लार्ज सैंपल ले लें तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही है? यू विल एंड अप विद अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज एन। दिस रिजल्ट इज नोन एज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम अब मैं सिंपल वर्ड्स में आपसे क्या कहता है कि भाई, अगर कोई चीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप उसका सैंपल बड़ा कर लें, तो आप सैंपल बड़ा कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही है? ओके, एनलार्ज कब होता है? जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कम्स अप इन थ्योरी। सही, अक्सर क्वेश्चंस का आंसर हमें क्या, सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना कि अगर नॉर्मल नहीं होता तो हम सैंपल बड़ा लेते हैं तो वैसे ही नॉर्मल बन जाता है, तो सैंपल बड़ा कैसे लेते हैं? वो तो अब डिपेंड करता है ना तुम्हारे पास डेटा क्या है। अब यहाँ पे सिर्फ ये है कि भाई, अब तुम्हें पता है कॉइन टॉस जब करते हैं, तुम्हें पता है ना कॉइन टॉस करते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जी सर, लेकिन तुम 1000 टॉसेस कर लो या 10
1 million टॉसेस कर लो, तो वो डेटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, वो जो ग्रेटर देन 30 या 40 वाली बात होती है। हाँ ठीक है सर, ठीक। मास नहीं, मास कंटिन्यूटी करेक्शन जब आएगी तब मैं बता दूंगा, अभी नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट रुको, कुछ आवाज आ रही है वो मैं चेक करनी है। उसने अच्छा अब देखो इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है, सही है? इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम को इस्तेमाल कैसे करेंगे? उसने कहा 30 रैंडम ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम द सैंपल, फाइंड इन ईच केस। तो बल्कि पहले एक मिनट में कोई दूसरा सवाल दिखा दूं, चलो बल्कि नहीं यही वाला दिखा देता हूँ। ओके, 30 रैंडम ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम each of the following distributions and the sample mean calculated. Find in each case the probability that the sample mean exceeds 5. मैं किसकी probability निकालने को कह रहा हूँ? मैं probability निकालने को कह रहा हूँ x bar is greater than 5. अब part A की पहले बात हो रही है, सही है? Part B is a separate part. We are talking just about part A. उसने कहा part A क्या है कि x is the number of phone calls. X is the number of phone calls made in an evening to a counseling service where X follows a Poisson distribution. अब Poisson distribution है और मुझे X bar की probability calculate करनी है। अब मुझे तो पता है कि X bar तो normally distribute होता है with mu and sigma square divided by n, ऐसे ही होता है। But ये तो Poisson है, तो मैं क्या कहूँगा कि I will apply the central limit theorem and say that x follows a normal distribution with mu and sigma square. सही है? In this case क्या हो जाएगा? म्यू भी 4.5 हो जाएगा, पॉइजन में यही होता था, और वेरिएंस भी 4.5 ही हो जाएगा। डू यू ऑल रिमेम्बर दैट? मेरी आवाज सही आ रही है ना? अच्छा मेरी आवाज से बीच में भी गायब हो जाएगी बिकॉज माय हेडफोन्स आर अबाउट टू डाई, दे आर नॉट चार्ज्ड। So just let me know when the voice goes, okay? क्या ये बात यहाँ तक सबको समझ आई है? Okay. So then, can I say that x bar follows a normal distribution with 4.5, comma 4.5 divided by 30? सही है? फिर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करता हूँ। दोबारा इट्स जस्ट अ बॉल पार्क रूल कि भाई 30 होना चाहिए। लार्ज कब कंसिडर किया जाता है? जब 30 होता है। यहाँ पे 30 इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसने 30 रैंडम ऑब्जर्वेशंस कही थी। हर चैप्टर हर क्वेश्चन में अलग हो सकते हैं, सही? ये कैलकुलेशन
सही है ना? अब इसी का पार्ट बी देखो, पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी भी यही कहता है। पार्ट बी कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी एक्स बार इज ग्रेटर देन 5 की निकालनी है, लेकिन अब एक्स क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन व्हेन एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 9 टाइम्स, यानी एक्स एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद एन कॉमा पी। एन कॉमा पी इज 9.5, सो एक्स अगर अब लार्ज हो गया है, अब आपने क्योंकि 30 रैंडम ऑब्जर्वेशंस लिए हैं ना ऑफ द सेम प्रोसेस, सही है, तो आप कहेंगे कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मीन जो जाएगा वो 4.5, 2.25 हो गया, तो x बार क्या हो जाएगा, x बार जो होगा वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही है? सैंपल साइज 30 है, NPQ और ये NP, ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ये पास्ट पेपर में दोबारा आएगा तो मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको, सही है? ओके okay?